और ये हमारे रूम में हम खरीद के लाके यूरोडीन लाके बाथरूम में लगा रहे, रूम में भी स्प्रे मार रहे हैं, और क्या करेंगे बताओ? हम यही सफाई करने के लिए आए, हमें रूम में छह दिन गर्म पानी उसमें पानी देखे तो इतना बारीक आ जाता है। ये नहीं चल रही है ना, पूरा तुड़ गया ना, पूरी तुड़ी है, क्या भी ये है इसमें। अच्छा कपड़े लगानी है पहले तो देखो, कपड़े के हुक्का भी चल गए हैं, खिड़किया देखे तो रोजना पड़ गए, रोजना पड़ जाओ फूटे आए ना कहीं सो खिड़किया हम नाजर को कटना सटे ही ही साले तो अच्छे ही क्या करते, उनको भी देखो नीचे बाबू उनका लगे थे सामान पूरा नीचे रख ले बैठे ही। ऐसे हालत में क्या खुशी से मैं उमरा कर ले सकती हूँ, हज कर ले सकती हूँ, बोलो मुझे क्या सहूलत है। मैं ऐसा 3 दिन होता है अब आप तक ना, मैं अब कितने दिन तक ऐसा रहना, आप तक ना कपड़े भी हमें हाथ से धो लेना कहते, धो लेना सुकान डालना कहते, सबर करो सबर करो कहते, क्या पूछे तो सबर करो सबर करो। किचन में देखे तो झड़ जाते हैं देखो, तुम्हें देखते चलो क्या भी रख ले सकते हैं, इसमें पका ले खाना, ये खाना इसमें पका लेना, देखो ये देखो सूखो पड़ गया तो क्या करना है इनको, ये देखे तो ये देखो कैसे इनके ऐसे किचन में आज दफा से हमें धो 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 हमें धोने में हम इबादत करने नहीं बनती है, इबादत नहीं है हमारे यहाँ, बिल्डिंग साफ करने में बर्फ हो जाता है हमारा जीना। क्या करते हैं हज कमेटी वाले हमको अर्ज करते हैं, हमने आपको ये कमेटी के ऊपर भरोसा है सर का कि रूम चेंज कर डालो, हमने आपको ये प्लेस चेंज कर डालो, देख जाओ ऐसे रूम में देखो ये कीड़े मकोड़े फिरते हैं इस रूम में, कई भी कमा दीजिए हमने आपको ये रूम ऐसे गिरा दाम है सो बिल्डिंग का ले रहा है हजार रुपये डाल दो, कई को ऐसा सताते हैं इसे हमारा रूम बता दिए। असल में आप देखो ये बिल्डिंग ये है कि किसके तो भरोसा पर ले लगा कर हमारे सिराम को ढकल डाली थी, 3 दिन है तो जान दे लगा है क्या मुझे लगा हमें चल जाते हैं, 30 दिन है ना हमें 30 दिन कैसा गुजारना है, इंशाल्लाह क्या तभी होता है पा इंशाल्लाह। बोलो भी क्या की बोल को ये हम कहते हैं फ्लोर है पांचवा फ्लोर में इंसान है सातवां फ्लोर पे मरदमाने भी हरम नहीं गए, ये क्या आपा मरदमाने भी हरम को नहीं गए दो दिन से यार थी आज यही टेंशन हमें 18 तारीख को आए थे सो कल को कल ही परसों रात में 9:30 उमरा कुजा को 2:15 आए रिटर्न में तो वो हलक कर को आपको ठंडा पानी वो है हमें है भाई नहीं मुझे बुखार आ गया अब आज मैं बुखार की वजह से हरम को नहीं गई, ऐसा हो गया तो पैसे बर्बाद हो गए हमारी इबादतों में और थोड़े लोग बहुत चीप एडवाइस कर रहे हैं कि सबर करो सबर करो, यहाँ आए हैं मुशक्कतें उठाने के लिए मुसीबतें उठाने के लिए, मुसीबतें इनकी बिल्डिंग में काम बैठ को लाखा खर्चा करने को सबर करने को बैठना कहते, इसी में वो हरम के सामने है ना वो रोड पर रहना बहुत बेहतर होता है भाई, हाँ तो भाई अल्लाह की जिक्र चलती है रहम तो मिलते है, ये बिल्डिंग में क्या मतलब है अल्लाह को 20-30 दिन ये हरम में वो 30 दिन में दिन ब दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन खत्म होते गए तो हमारी इबादत क्या चलते थे, माशाल्लाह मदीना में जो फैसिलिटीज थे बेहतरीन से बेहतरीन थे, पुराने दिन से हमारे मिनिस्टरों से हमारे अजीज जमीर अहमद खान साहब से हमारे हज मिनिस्टर रहीम खान साहब से हमारे मकसूद इमरान साहब और हमारे सरफराज खान साहब और जो टीपू भाई जो हज कमेटी के जितने भी जिम्मेदार हैं तो उनसे अजीजाना गुजारिश है तुमको कोशिश तो कर पाई, मौलाना मकसूद इमरान साहब से भी बात हुई उन्होंने भी उन्होंने बोले उन्होंने सब लोग हम कोशिश कर ले कोई अब हमें यहाँ पो ये बिल्डिंग को आको 2 दिन होगा
तो आप लोग सुने क्या भी प्रोसेस हो को नहीं है, सिर्फ आपको जरा पाकी सफाई करदाल को चले गए, लेकिन पूरी तरह से तसल्ली नहीं है। बुजुर्गान को उतरने चढ़ने के वास्ते वाका है, बिल्डिंग जल्द से जल्द चेंज होना करको हमारी दरखास्त है। यहाँ बलदी वाले को भी बोले थे, पुलिस वाले भी आपको विजिट करको जा रही आ रही और विजिट करको जा रही, कुछ भी हो रहा नहीं, कुछ भी काम हो रहा नहीं। तो यहाँ पे उमरा करने के वास्ते तकलीफ हो रही है, इधर मखुना काटे को जो एहराम दाल को जो उमरा करने की वास्ते जो जाती तो उसमें खुजाए तो एकदम देना पड़ता है, तो मखुना की वजह से, खुजली की वजह से, तो यहाँ पे झुंगुरा की वजह से, गलीजागी की वजह से और उमरा करने भी और इबादत करने भी तकलीफ हो रही है। तो इस वजह से मैं हमारे मिनिस्टर अहबाब से और हज कमेटी ऑफ इंडिया से और स्मृति ईरानी जो इंचार्ज मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, उनसे गुजारिश करता हूँ कि इसके वास्ते जल्द से जल्द यहाँ के इंतजामिया से यहाँ से से बात करको, ये रूम बिल्डिंग नंबर 377 जो अजीजिया में है उसे चेंज करको, यहाँ पे 280 पर 8 हाजिया ही 280 पर 8 हाजिया को ये रूमों में भरको ही, जो कंजेस्टेड रूम्स हैं 300 चिलर रखो ही। तो उसकी वजह से यहाँ पे सब लोगों की रिक्वेस्ट दरखास्त में लोगों को कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्द से जल्द यहाँ पे ये इसके ऊपर ये मामले में कोशिश करको, जल्द से जल्द ये मामले में कार्रवाई करके यहाँ से बिल्डिंग चेंज करने की कोशिश करे थे। माशाल्लाह बहुत अच्छी खिदमत करे। हाँ एकदम बहुत 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 तारीफ के लायक हज कमेटी हमारी, बहुत अच्छी खिदमत करे, उनको मालूम नहीं है, बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है। इस बिल्डिंग के अंदर ही सबको तकलीफ है, अगर 4-8-10 दिन का मामला होता तो हम ये गुजार के चले जाते, अगर यहाँ पे 30-35 दिन का है, 30-35 दिन आदमी यहाँ पे हाजी कैसे बर्दाश्त करेगा बताओ। आप लिफ्ट में चले जाओ, लिफ्ट में नीचे उतरने पे पसीना आया नहीं तो बोल देना, लिफ्ट में ना फंका है ना, दुआ करो अल्लाह ताला आसानी फरमान दे कर को, इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं बात करको हूँ, वहाँ से फोन भी आपको है एक दूसरे दिन कल तक इंशाल्लाह करती हूँ करको वाला को, अल्लाह चाह तो इंशाल्लाह करती हूँ। अभी जो वीडियो बना ये भी मैं भेजता हूँ हमारे हज कमेटी के मेंबर, दुआ करो तकलीफ जो नहीं है वो पूछो जी, जो है नहीं वो पूछो, समझ जाओ जी नहीं है दुआ करो। हमारे हज कमेटी से अजीजाना गुजारिश है, जिस तरह हिंदुस्तान में सब हाजियों की आप खिदमत करें, देखभाल करें, इसी तरह हमारे यहाँ भी देखभाल करने की कोशिश करें, और मौलवियों को तैयार करें जरा, मौलवियों को भी, मौलवियों भी एक दूसरे पे झाड़ लेते हैं, ये मेरा नहीं है, उनका है, वो उनका नहीं, उनका है, मौलवियों को भी तकलीफ है, मौलवी भी यहाँ जल्दी मिलते नहीं, बहुत धन्यवाद, बहुत मोदी वहाँ अच्छा काम करते हैं लेकिन यहाँ आने के बाद नहीं मिलते। आज सुबह से तो हम इंतजार कर रहे हैं, सुबह में कल क्या बोले, सुबह में तुम्हारा पूरा इंतजाम हो जाएगा, सुबह में खाली कर देते, दूसरे रूम चेंज करके सबर करो कर बोले, रात को हमें उम्रा वहाँ से आने की देरी, हमें देखने की देरी, हमें बहुत तकलीफ हुई, हमें उम्रे को भी नहीं गए सफर करके आए थे मदीना से यहाँ तक, रूम में आने की देरी, यहाँ पूरा भी बोलने लगे खोला में यहाँ ये नहीं करो, आपको 4 आदमी का 5 आदमी का रूम है, आपको 8 जने को देने, हमारा लगेज भी नहीं रख सकते, हमें सही से उसमें बैठ सो भी नहीं सकते, हमें उम्रे को भी गए नहीं, हमें कल 10-12 बजे हो गए, हमें कल उम्रे को निकल गए 12 घंटे को, ऐसे इधर पर क्या ये भी नहीं हुआ, बोले सुबह में हमें काम करते, सुबह में चेंज करते, इतना टाइम हो गया काम हो गया आज तक, फिर भी क्या भी बात नहीं हुई, हमारा लगेज जब दूसरे रूम दूसरी बिल्डिंग में जाकर रूम में चेंज हुआ था, जो हमारे रिश्तेदार दूसरे रूम में थे उनको जाकर पूछा तो उस रूम में हमारा लगेज था, और हमें खुद जाकर वहाँ से हाथ से वो हमारा लगेज हमें उठा लेको है, हमें हाथ ही सको, हमें जाकर वहाँ से हटा था, नहीं तो केदर में तो नल्ला में तो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, बहुत पानी, इंशाल्लाह कोशिश करती आप जमीर भाई को भी बात करता मैं इंशाल्लाह, जमीर भाई आज सुबह तक कोशिश कर रहा थे मेरे को, मगर ये तो हुआ नहीं, सोचा था आज हो जाता है, बिल्कुल आज इतना टाइम, मैं हमारे जमीर भाई को, हमारे नसीर साहब को, पॉलिटिकल सेक्रेटरी साहब है ना नसीर साहब को, उनको रहीम खान साहब को, चेयरमैन है ना हमारे टीपू भाई है ना उनको, सरफराज खान साहब को, सबको भी जितने भी वहाँ जिम्मेदार आने उनको बात कर पाई, मौलाना मकसूद इमरान साहब भी बारे में कोशिश कर रही है, उलमा भी कोशिश कर रही है, इंशाल्लाह दुआएं भी कर रही है, कुछ करदा लेंगे करेंगे इंशाल्लाह। देखो ये हमारे रूम में हम खरीद के लाके उड़ोदी लाके बाथरूम में लगा रहे हैं, रूम में स्प्रे मार रहे हैं, और क्या करेंगे बताओ, हम यही सफाई करने के लिए आए, हमें रूम में सफाई करेंगे, बदबू ऐसा है, बाथरूम में पूछने की बात नहीं है, ठीक है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह दुआ करो। देखो भैया मेरे भैया बहुत जल्दी करो कोशिश, हमें सभी तुम्हें बच्चों से भी दुआ करती है, तकलीफ ये करो इंशाल्लाह।